कर रहे हो, कितनी अच्छी मतलब आर्ट आर्ट कितना अच्छा आर्ट है इस तरफ से। ये पूरे जय जोहर संगवारियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्लॉग्स में अनिरुद्ध में। आज श्री राम जी के इतने बड़े उत्सव पे जो अयोध्या में राम मंदिर बना है उसके उपलक्ष्य पे मैं दुर्ग आया हूँ खाटू श्याम मंदिर में जो कि इंडस्ट्रियल एरिया पे। मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ कैसे सेलिब्रेट हो रहा है। मैं मंदिर गया था, आप लोगों को दिखाता हूँ कितना भव्य मंदिर है। अंदर से दिखलाता हूँ आप लोगों को कितना शानदार मंदिर है भाई। मैं ये पहली बार आया हूँ अपने फैमिली के साथ में, आप लोग को अंदर दिखाता हूँ कितना अच्छे से मंदिर को सजाया गया है और कैसा कैसा है मंदिर। अंदर से देखने पे पता लगेगा, पीछे देख सकते हो मेरे बहुत ही शानदार दिख रहा है। और अपन अंदर चलते हैं, अंदर आप लोग को और दिखलाता हूँ। बोल सकते सेकेंड दिवाली बोल सकते हैं वो मनाई जा रही है। फटाफट खूब सारी आवाज़ आपको आ रही होगी, चलो अंदर आप लोग को दिखलाता हूँ। जैसे ही मैंने मंदिर के पावन सीढ़ियों पर कदम रखे, मानो अंदर से जैसे अंतरात्मा कह रही हो कि आज मन तृप्त हो गया मंदिर में अंदर आते ही। मेरा पहले मेरी नज़र मंदिर में बनी हुई आर्ट्स पर पड़ी जो कि चमकीली थी और बहुत ही सुंदर थी। इस मंदिर में भगवान गणेश जी, दुर्गा माता, प्रभु श्री राम, हनुमान जी, कृष्ण जी और खाटू श्याम जी विराजमान हैं। अंदर से देखने पर मंदिर की खूबसूरती कुछ और ही थी, मानो जैसे आँख को मोह ले गई हो। यहाँ पर चारों तरफ और सीलिंग में बहुत सुंदर भगवान कृष्ण जी की सारी लीलाओं को पूरी तरह से दर्शाया गया है। मंदिर में बनी हुई सुंदर आकृतियाँ हर दर्शन करने वालों को मन मोह लेती है। सच कहूँ तो ऐसे हर दिन आप यहाँ आके खाटू श्याम जी के दर्शन कर सकते हो, पर हाँ आज इतने भव्य दिन को यहाँ पे आके मेरा जीवन तो जैसे सफल हो गया। जय श्री राम। अगर आप भी दुर्ग भिलाई या रायपुर से हैं तो आपको यहाँ दर्शन करने के लिए ज़रूरी आना चाहिए। देखो कितनी अच्छी मतलब आर्ट आर्ट कितना अच्छा आर्ट है इस तरफ पे। ये पूरे पूरे भगवान ओके कृष्ण जी की पूरी जो मतलब स्टोरी है वो पूरी यहाँ पे आपको दीवारों पे अच्छी सी आर्ट बनी हुई है शाइनिंग सी इस तरफ पे। और इस तरफ भी सारे चारों तरफ ऊपर भी आप देखोगे सीलिंग पे भी तो काफ़ी अच्छी आर्ट बनी हुई है। बहुत ही सुंदर लगता है देखने पर मंदिर। तो आगे पीछे जहाँ पे मैं बोलूँ चारों तरफ मेरे काफ़ी अच्छा जो आर्ट है वो अच्छा बना हुआ है दुर्ग पे मंदिर इंडस्ट्रियल एरिया पे। देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है ये मेरे पीछे, देखो कितनी अच्छी आर्ट बनी हुई है मस्त। और आगे पूरे मंदिर में ऊपर सीलिंग पे भी और इधर पे भी सब साइड पे बहुत अच्छी आर्ट बनी हुई है। काफ़ी अच्छा मंदिर इस तरफ भी देख सकते हो, बढ़िया।
लोगों का उत्साह इतना था कि दिवाली के दिन जैसे आतिशबाजी हो रही थी वैसे ही आपको आज वीडियो में मेरी आवाज़ के पीछे सुनने को मिल रही होगी। आज के दिन लग रहा था मानो जैसे अब आने वाले सालों में दिवाली साल में दो बार मनाएंगे सभी। अगर आप भी सच्चे प्रभु श्री राम जी के भक्त हो और मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और हाँ जय श्री राम।